हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चीरा राइस, वो भी ढाबा स्टाइल में। बस दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा और इसकी जरा से मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चीरा राइस ढाबा स्टाइल में। दोस्तों सबसे पहले हम गैस जला लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये हमने थोड़ी सी प्याज ली है और प्याज को हमें फ्राई कर लेना है लाइट ब्राउन। दोस्तों जब प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो जाएगी इस तरीके से, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े गर्म मसाले। खड़े गर्म मसाले में हम ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 2 लाल सूखे मिर्च, 7 से 8 काली मिर्च के दाने और 2 तेज पत्ते। अब हम इनको लो फ्लेम में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब खड़े गर्म मसाले फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, वो भी 1/2 चम्मच। जीरे को भी हमें फ्राई कर लेना है ब्राउन, और गैस का हम लो फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, जो अपना जीरा जल जाए। ये देखिए दोस्तों जीरा फ्राई हो चुका है ब्राउन, और आपको भी इसी तरीके से जीरा फ्राई कर लेना है। जब जीरा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो हमने 1/2 मग लिया है। चावल ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये चावल मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हमने 1/2 मग चावल लिया है तो हम 1 मग पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जब चावल मिक्स हो जाएंगे तो इसे ढक्कन से हम ढक देंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक चावल के पानी में खौल नहीं आ जाती है। ये देखिए दोस्तों चावल के पानी में खौल आ चुकी है। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद हल्का सा इसको चला लेंगे। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से फिर से ढक देंगे। ढक्कन हमें पूरा कवर नहीं करना है, ढक्कन हम थोड़ा खोल के रखेंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद चावल को हल्का चला के चेक कर लेंगे चावल अपना कितना गल चुका है। ये देखिए दोस्तों चावल 70% गल चुका है। जब 70% चावल गल जाएगा तो इसको हम फिर से ढक्कन से ढक देंगे और ढक्कन से हमें पूरा कवर नहीं करना है, ढक्कन हम थोड़ा खोल के रखेंगे और हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद चावल को चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों चावल अपना 90% गल चुका है। जब चावल 90% गल जाएगा तो फिर हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। इस बार हम इसको ढक्कन से पूरी तरीके से कवर करेंगे और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 8 से 10 मिनट हम इसको इसी तरीके से कवर रहने देंगे। दोस्तों 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों चावल कितना खिला खिला तैयार हुआ है। दोस्तों चावल को हमने 90% गैस में पकाया है और 10% गैस बंद करके स्टीम में पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ते। धनिया ऐड करने के बाद अब हम चावल को हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें चावल को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि चावल अपना टूट भी ना पाए। मिक्स करते साथ फाइनली अपना चीरा राइस तैयार है, वो भी ढाबा स्टाइल में। दोस्तों आप इसको दाल के साथ सर्व कीजिए या सब्जी के साथ सर्व कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है चीरा राइस, वो भी ढाबा स्टाइल में। दोस्तों आपको जीरा राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हम आपके लिए इसी तरीके से नई रेसिपी लेके आते रहते हैं। बस आप अपना सपोर्ट बना करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।